के मैंने कहा सर हमारा तो नाम ही अर्ध सैनिक, तो अर्ध सैनिक सर जो सेना के लिए सुप्रीम कमांडर हैं आप, सैनिक स्कूल है तो वाई नॉट अर्ध सैनिक स्कूल, अर्ध सेना झंडा दिवस होना चाहिए, क्या हम बगैर झंडे के हैं? ये बात महामहिम राष्ट्रपति जी को बताई। हमने कहा सर सेना के लिए 100 सैनिक स्कूल, तो बजट में अर्ध सैनिक स्कूल भी तो होने चाहिए। तो महामहिम ने एक बहुत बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि भाई अर्ध सैनिक सैनिक, मैंने कहा सर, फिर बोला उसी में एडमिशन हो, अरे मैंने कहा सर ये बहुत बड़ी बात है, महामहिम ने ये कहा कि भाई सैनिक स्कूल में अर्ध सैनिक स्कूल होंगे बच्चे, मैंने कहा फिर सर जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने एसएससी जीडी का मुद्दा उठाया कि मैंने कहा सर संसद में बयान दिया माननीय गृह राज्य मंत्री ने कि भाई यस 55,000 वैकेंसी 1,10,000, तो मैंने महामहिम को ही कहा कि सर अगर 55,000 वेटिंग है, अगर उन युवाओं को अगर सरकार निमंत्रण देती है, उनको नियुक्ति देती है, तो हमारी सरहदें और अंदरूनी सुरक्षा ज्यादा सुरक्षित होगी। हमने कहा सर सीपीसी कंटीन पर छूट होना चाहिए, जैसे सेना की सीएसडी पे 50% छूट, और महामहिम का बड़प्पन कि उन्होंने क्लियर कहा कि यस हम आपकी बातों को बहुत गहराई से ले रहे हैं और जरूर इसमें जो भी होगा मदद की जाएगी। और ये हिंदुस्तान में ऐसा पहली बार, हिंदुस्तान के हिस्ट्री में पहली बार जब कन्फेडरेशन एक्स पैरामिलिट्री के जो महानायक यहाँ खड़े हैं, हमारे को जो है महामहिम राष्ट्रपति ने, और वो दिन दूर नहीं जब माननीय प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, क्या उन तक आवाज जा रही है, वो भी दिन आ रहा है जब हमको वो बुलाएंगे और सिकवे गिले होंगे तो, और लड़ाई हक की जा रही है, बहुत बड़ी बात है। इच्छा शक्ति और जुनून ये लोग हैं, और हम जो है उत्तराखंड को और जेएंड की टीम को भी, इसमें 10 मेंबर होने थे साहब, कोविड की वजह से कम हो गए, नहीं तो हम केरला से लेके और जितने हमारे जो मेन मेन हैं उनको भी बुलाते। तो सैल्यूट और सलाम विजय चौक से रायसीना हिल मेरे ठीक पीछे, और संसद जिसको हमने सीआरपीएफ ने बचाया था, ये बात महामहिम को बताई गई कि सर संसद को तो हमने बचाया, फिर हमसे क्या भूल हुई कि जवानों की पेंशन बंद। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, और जो है कर्म किए जा फल की आस मत कर। जय हिंद, जय पैरामिलिट्री, पैरवे सावधान रहने की जरूरत, सूर्य ढलने को। थैंक यू सो मच।